हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, हाउ टू मेक टॉप फॉरवर्ड केक इन इजी वे एंड विदाउट डिजाइनर इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए मैं जो स्पॉन्ज बेक किया है वो मैं 6 इंच केक टिन में बेक किया है। 200 ग्राम प्रीमिक्स लेके इस स्पॉन्ज को बेक किया था। अगर आपको स्पॉन्ज बनाने की रेसिपी चाहिए तो मैंने वैनिला केक की स्पॉन्ज रेसिपी और इसकी प्रीमिक्स चैनल पर शेयर की हूँ। आप देख सकते हैं केक स्पॉन्ज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। शुगर सिरप से मैं सोकिंग की, फिर क्रीम अप्लाई कर दी है और इसकी फिलिंग्स में बटरस्कॉच क्रॉस और व्हाइट चॉकलेट दी हूँ। कस्टमर के डिमांड यही था, बटरस्कॉच के साथ वैनिला चोको चिप्स के फ्लेवर में बनाना था। मेरे पास व्हाइट चोको चिप्स खत्म हो गई है, इसीलिए व्हाइट कंपाउंड को यूज की हूँ। उसके बाद मैं सेकंड लेयर को अप्लाई कर दिया, उससे भी अच्छे से सोक कर दिया है और उसी प्रोसेस से तीनों लेयर को देके मैं केक की क्रम कोट कर रही हूँ। तो इस तरह की टॉप फॉरवर्ड केक आप जब भी बनाओ तो आपका स्पंज अच्छा बना होना चाहिए, एकदम साइज से केक की लेयर कटी होनी चाहिए, उसके बाद ही ये केक जो है अच्छा बनेगा, प्रॉपर तरीके से बनेगा। और इसकी जो केक की मैं क्रम कोट करने के बाद इसकी फाइनल आइसिंग करूंगी। इस तरह का केक जब भी आप बनाओ, लेयर्स को डिवाइड करने से पहले आप अपनी केक की जो स्पंज को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जरूर रखो, जिससे कि आपकी तीनों लेयर सेम साइज से कटेगी, जो केक वो टूटेगा नहीं। इस तरह से मैं केक पर क्रीम अप्लाई कर दिया है। अगर आप बिगनर्स है तो पाइपिंग बैग में क्रीम को अप्लाई करो। पाइपिंग बैग में क्रीम अप्लाई करने से आपका जो केक है बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन होकर बनता है। एक या दो बार से ये जो स्क्रैपर से केक क्लीन हो जाता है। तो इस तरह की केक जब भी आपको बनानी है बहुत अच्छी तरीकों से क्रीम लगानी है, टॉप पर भी और साइड वॉल्स पर भी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर क्रीम ज्यादा है कहीं पर क्रीम कम है। ये पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं ये सोल बना दी है। इस तरह की केक के लिए जो टॉप है वो अच्छी तरीकों से फिनिशिंग होना चाहिए। अगर फिनिशिंग आपसे नहीं हो रही है तो टॉप पर आप कॉम्ब नहीं तो ब्रश घुमा दीजिए। केक की डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोज फ्लावर बना रही हूँ, रोज पेटल नोजल से। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के बाद मैं आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा हूँ। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। जब आप ये टॉप फॉरवर्ड केक बनाए, केक की फाइनल आइसिंग करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें, ताकि जब आप केक कट करोगे इसमें से क्रम्स नहीं निकलेगी और केक को जब भी आप खड़ा करोगे तो वो टूटेगी नहीं अच्छे से। अगर कूलिंग होकर सेट हो जाएगी तो वो टूटेगी नहीं, जैसे आप सेट करोगे वैसे ही ये केक रहेगी। फिर मैं फ्रीजर में से निकाल कर ये साइड वाल को भी जैसे पैलेट नाइफ से स्वेल बना दी, फिर ये मैं जो ब्रेड नाइफ से ये केक को कट कर दिया है। इस तरह की पैलेट नाइफ और जो ब्रेड नाइफ की मदद से मैं ये केक को खड़ा कर दिया है। ये केक के बैक साइड में वो कट किया हुआ केक को रख लिया है। इससे क्या होगा कि केक गिरेगी नहीं और वेट भी घटेगी नहीं। और ऐसे ही छोटी स्टार नोजल से स्टार फ्लावर से भर दिया है। जब आप बैक साइड क्रीम अप्लाई करोगे तो केक गिर जाने की डर रहता है, इसलिए ध्यान से क्रीम अप्लाई कीजिए। नहीं तो आप ऐसे ही, मैं जैसे करती हूँ, जो छोटी वाली स्टार नोजल लेकर ऐसे फ्लावर बना दीजिए। मैंने ये केक छोटा ही बनाया था, ऑर्डर मुझे छोटा मिला था। अगर आप इसको 1 किलो में बनाओगे तो ये और अच्छा दिखेगा, केक का जो ज़्यादा हाइट मिलेगी केक को। जब केक को आप स्ट्रेट रखोगे तो आपका केक ज़्यादा स्ट्रिप रहेगा, गिरने की डर कम रहेगा। तो उसके बाद मैंने
इसकी जो डेकोरेशन के लिए मैंने ये क्रीम में रोज बनाई थी, ये रोज को प्लेस कर दी। फिर थोड़ी सी जो गोल्डन कलर की लस्टर डस्ट है, वो लस्टर डस्ट को मैं लेकर उसमें 1 और जो 2 ड्रॉप वेजिटेबल ऑयल है, जो खाने का तेल है, वो देकर ब्रश की मदद से ये अच्छे से मिक्स कर दी, ये जो गोल्डन कलर की लस्टर डस्ट। फिर ये मैं फ्लावर की जो पेटल्स है, पेटल्स की बॉर्डर पे ये हाईलाइट कर रही हूँ, जो बॉर्डर पर दे रही हूँ। ऐसे करने के लिए रोज फ्लावर को पहले बना के अच्छे से कूलिंग करना जरूरी है, नहीं तो ब्रश में क्रीम आ जाएगी और ये जो गोल्डन कलर है वो अच्छे से नहीं दिखेगी। फ्रेंड्स, बहुत दिन से सोच रही थी ये केक जो बनाने के लिए, ये ट्रेंडिंग केक है, बहुत इंटरेस्ट थी ये केक बनाने के लिए। सभी ऑर्डर मुझे जो आता है वो पिक्चर के साथ आता है। ये केक की जो डिजाइन, कोई डिमांड नहीं था, ये सिर्फ फ्लेवर का डिमांड था कस्टमर का। तो मैं सोचा आज यही वाला केक मैं आज आप सबके लिए बना के दिखाती हूँ। और व्हाइट कलर की बड़े और छोटे शुगर बॉल और गोल्डन शुगर बॉल के साथ मैंने ये केक को डेकोरेट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये केक कस्टमर पाके बहुत हैप्पी हुए थे और मुझे कॉल करके बताए थे कि टेस्ट और डिजाइन बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, आप सबको आज का ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर आप अभी तक नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले याद करके एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा कर केक के ऊपर फिर कस्टमर का नेम को प्लेस की हूँ। ये मेरी केक की फाइनल लुक है। आप भी ऐसे बिना जो डेकोरेट इंग्रेडिएंट्स के बिना केक बनाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।